हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। हम इस वीडियो में उन बच्चों की बात करेंगे जिन्हें अपना करियर आर्ट स्ट्रीम में बनाना है या जिन्हें आर्ट स्ट्रीम लेके आगे की पढ़ाई करनी है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि विच एलिजिबिलिटीज यू मस्ट हैव टू चूज आर्ट स्ट्रीम, आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप आर्ट स्ट्रीम लेके पढ़ाई कर सकते हो, कौन से बोर्ड आर्ट स्ट्रीम की पढ़ाई करवाते हैं क्लास 10th के बाद, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको क्लास 11th में चूज करने पड़ेंगे अगर आप आर्ट स्ट्रीम ले रहे हो, और आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस होंगे जो 12th के बाद आपको मदद करेंगे या जिनमें आप अपनी करियर बनाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। तो जनरली जिन्हें साइंस और कॉमर्स पसंद नहीं होता है, जिनका इंटरेस्ट साइंस और कॉमर्स में नहीं होता है, या जिनके मार्क्स 70% के बिलो होते हैं, वो बच्चे आर्ट स्ट्रीम चूज करते हैं। एक आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट जो होता है वो क्रिएटिव होता है, एक हेल्दी इमेजिनेशन को रखता है। मतलब अगर आप कुछ नया करने की सोचते हो, आप कुछ नया बनाना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो आर्ट स्ट्रीम आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। इनके करियर ऑप्शन आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैं दोनों लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, चाहे हिंदी या इंग्लिश, अगर इनमें से कोई भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आर्ट स्ट्रीम में इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन से एलिजिबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए या कौन से बच्चे आर्ट स्ट्रीम लेते हैं। अब हम बात करेंगे कौन से बोर्ड है इंडिया में जो आपको आर्ट स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा CBSE, मोस्ट पॉपुलर, जो कि आर्ट स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। ICSE, IB और स्टेट बोर्ड भी हैं, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, गुजरात बोर्ड, इन सब बोर्ड में आपको आर्ट स्ट्रीम मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको आर्ट स्ट्रीम में पढ़ने होते हैं। तो पहले मेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, इंग्लिश, हिस्ट्री, इतिहास मतलब की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जिसे हम कहते हैं, ज्योग्राफी, भूगोल जिसे हम कहते हैं, सोशियोलॉजी, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 11th में अगर आप आर्ट स्ट्रीम चूज करते हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको फिलॉसफी मिल जाएगी, साइकोलॉजी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, मैथ्स, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन आपके ऑप्शनल में मिल जाएगा। आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर वीडियो का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, मतलब कि इनमें कौन से करियर ऑप्शंस हैं आर्ट स्ट्रीम में जिन्हें हम चूज करेंगे आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद, ये बहुत लोगों के माइंड में रहता है, बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि क्या मुझे एक अच्छी जॉब मिल पाएगी कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आर्ट स्ट्रीम का जॉब एक हाई क्लास, हाई पेड सैलरी और इलाइट क्लास का जॉब आपको दिलाता है। जैसे हम आपके लिए कुछ जॉब लेके आए हुए हैं जो करियर ऑप्शंस जो आप आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद चूज कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे फेवरेट जर्नलिज्म, आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो। अब देखो, मॉडर्न एरा में सबसे लीडिंग करियर, सबसे लीडिंग अपॉर्चुनिटी किसी फील्ड में है तो वो है जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म ह्यूमन लाइफ के हर फील्ड, हर एरिया को कवर करता है। मतलब अगर आप फिल्म बनाने की सोच रहे हो, आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हो, आप मीडिया से जुड़ना चाहते हो, रिपोर्टर बनना चाहते हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो, इन सब के लिए आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो। ये एक हाई प्रोफाइल जॉब है, हाई पेड सैलरी देता है और आपको अच्छी जॉब सिक्योरिटी भी देता है। मतलब जर्नलिज्म करने के बाद बंदा खाली तो नहीं बैठेगा। दूसरा हमारा ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट आपने नाम सुना ही होगा और आपको पता भी होगा कि इसमें कितना तगड़ा अपॉर्चुनिटी है होटल मैनेजमेंट में। अब वो लोग जिन्हें हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी करना पसंद है या जो अनरेगुलर सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी विपरीत परिस्थिति को फेस कर सकते हैं, उनके लिए होटल मैनेजमेंट का जॉब बेस्ट है। अब ये आपको बेनिफिट क्या देता है, आपकी हाई पेड सैलरी होगी, मतलब सैलरी बहुत ज़्यादा इसमें, बहुत तगड़ी सैलरी देता है, अच्छा स्कोप है, अच्छा चांस है इसमें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद कौन कौन से फील्ड में जॉब मिल सकता है, आप क्लब्स में जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, होटल, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, एयरलाइन, ये सब फील्ड कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमेशा होटल मैनेजमेंट करने वालों की डिमांड होती है। मतलब अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो इन सब फील्ड में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत डिमांड है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। और होटल मैनेजमेंट के में जॉब सिक्योरिटी बहुत तगड़ा है, मतलब कि खाली तो नहीं बैठना है, ना के बराबर, और इज्जत तो पूछो मत। चलो तीसरा ऑप्शन की हम बात करते हैं, डिजाइनिंग। डिजाइनिंग देखो वो लोग करते हैं जो थोड़ा सा क्रिएटिव होते हैं, जो थोड़ा डिजाइन करना पसंद करते हैं किसी चीज को। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिजाइनर्स पिक करती हैं ताकि उनके लिए लोगो डिजाइन कर पाए। बहुत सारी डिजाइनिंग में चीजें आती हैं। जैसे हम अगर बात करें तो अलग अलग तरीके से आप
कैसे किन्हीं चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो, यही है हमारा डिज़ाइनिंग। मतलब आपको साड़ी बनाना भी, आपको कपड़े बनाना, जूते बनाना, कुछ भी बनाने को बोल देगा, आपको डिज़ाइन करना होगा। और अगर आपका डिज़ाइन सेलेक्ट होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको उसके लिए कितना पे किया जाता है। एक हाई पेड जॉब है, एक हाई पेड सैलरी मिलती है इसमें आपको। आप इसमें फैशन वियर, मतलब कपड़े वपड़े, ठीक है, प्रोडक्ट्स को, वेबसाइट को, इन सब चीज़ों का आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब डिज़ाइनिंग में आप अपनी स्टूडियो भी खोल सकते हो। अगर आपको फोटोग्राफी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप डिज़ाइनिंग का कोर्स करके ना इसमें अपना स्टूडियो खोल सकते हो, और इसमें एक बहुत अच्छा स्कोप है। अब आर्ट स्ट्रीम में इन तीनों चीज़ों के बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो। जैसे सिविल सर्विसेज, IAS, PCS, IB, आपको किसी की भी जॉब करनी है सिविल में तो आप आर्ट्स लेके पढ़ सकते हो। लॉ की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप लॉ करना चाहते हो अगर आपको वकील बनने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो। डिजिटल मार्केटिंग, टीचिंग, ये सब कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे अक्सर करते हैं। इसमें स्कोप भी बहुत तगड़ा है क्योंकि बहुत कम लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो देखने के बाद आर्ट स्ट्रीम को लेके आपका जो भी मिसकंसेप्शन था वो क्लियर हो गया होगा, और होप आप एक गुड करियर ऑप्शन अपने लिए चूज करोगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।